दोस्तों ये जो कैलेंडर का टॉपिक है, इस टॉपिक में सिर्फ दो ही क्वेश्चन करेंगे। इस दो क्वेश्चन से क्या करेंगे, इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे। दोस्तों इसमें एक छोटी सी कंसेप्ट है, उसको जानना है। पहले जानेंगे कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन पूछ दिया कि वर्ष 2023 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में आएगा। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आज मान लीजिए थर्सडे है और आज है 2 तारीख, सेम टू सेम यही दिन यही तारीख कितने सालों के बाद रिपीट होगी। यानी कि जो 2023 का कैलेंडर सेम दिन सेम तारीख सब कुछ सेम रहेगा, वो कब रिपीट होगा, कितने साल के बाद रिपीट होगा। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन कर दे। या दूसरा क्वेश्चन है 1997 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में आएगा। देखिए क्वेश्चन दोनों एक ही है, लेकिन दोनों में लॉजिक दोस्तों अलग अलग लगेगी। चलिए जानते हैं पहले थोड़ा सा कंसेप्ट कुछ ही पल का, उसके बाद दोनों क्वेश्चन को खत्म करेंगे, ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। पहली चीज देखिए दोस्तों, जो आपका साल दिया हुआ है उसमें हमेशा अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो 4 से भाग देंगे। किससे दोस्तों? 4 से भाग देंगे। और 4 से भाग देने पर दोस्तों शेष आप जानते हैं, या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा शेष। 4 नंबर है तो 4 से कम ही जितना आएगा वही शेष आएगा, इतना तो क्लियर आप जानते हैं। 0 पूरा कट जाएगा। अब यहां पर देखिए, अगर 0 शेष आता है दोस्तों तो ये कैलेंडर जो है आपका 28 साल बाद, 28 वर्ष बाद, या 40 वर्ष बाद जो है दोबारा रिपीट होगा। कितने बाद? 28 वर्ष बाद या 40 वर्ष बाद दोस्तों दोबारा रिपीट होगा। अब ये 28-40 है, वो भी अभी मैं बताता हूं। अगर 1 शेष आता है दोस्तों तो ये कैलेंडर 6 वर्ष बाद या 12 वर्ष बाद दोबारा रिपीट होगा। इतना क्लियर है। अगर दोस्तों 2 और 3 आता है, दोनों कंडीशन एक ही फॉलो करेगी, क्या 11 वर्ष बाद ये कैलेंडर आपका रिपीट होगा। अब यहां पर 2 नंबर दिया हुआ है 28 और 40, तो इसमें दोस्तों जानेंगे ये जो नंबर बाद वाला है दोनों का, दोनों में एक ही लॉजिक लगेगी। लॉजिक ये लगेगी दोस्तों, 28 या 6 जो भी ईयर दिया हुआ है, अगर उसमें हम लोग शेष 0 या 1 आता है तो क्या करेंगे, 0 आएगा तो उसमें 28 ऐड करेंगे। 28 ऐड करने पर अगर वो शताब्दी चेंज हो जाती, जैसे 19वीं शताब्दी में थे, 28 ऐड किया, 2000 शताब्दी में हम चले गए, और साथ ही साथ वो लीप ईयर ना हो, यानी कि एल ना हो, दो कंडीशन, पहली की दूसरी सदी में हम चले जाए जोड़ने पर, और साथ ही साथ जहां पहुंचे वो ईयर लीप ईयर ना हो, उस कंडीशन में 40 जोड़ेंगे। अगर 1 शेष आएगा तो 12 वर्ष बाद यानी 12 ऐड कर देंगे। इतना क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन को, सब आपके दिमाग में है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं, सब खत्म हो जाएगा। यहां पर देखिए कह रहा है कि 2023 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग, आप भी जानना चाहते हैं कि 2023। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 2023 में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने का रूल ये कहता है कि लास्ट के सिर्फ 2 नंबर में 4 से भाग दे देंगे तो पूरी संख्या में भाग देने के बराबर है। सिर्फ 2 ही लास्ट 2 नंबर में यही रूल कहता है। तो अब ये 23 में 4 से अगर हम भाग देते हैं दोस्तों, तो देखिए 3 शेष बचेगा, 4 5 20, 3 शेष बचेगा। 3 शेष बचता है तो मैंने कहा कि 11 वर्ष बाद, यानी कि 2023 में क्या करेंगे हम, इस 11 को ऐड कर देंगे तो 2034 आ जाएगा। यानी कि 2034 में दोस्तों ये 2023 का कैलेंडर उठा करके रख लीजिए, जब 2034 में पहुंचेंगे तो इसका यूज आप कर लेंगे। सब सेम डेट सेम दिन सब कुछ वही रहेगा। अब चलिए, अगर 1997 हो, दो क्वेश्चन देने का मतलब यह दोस्तों इस 0 और 1 वाला जो मैटर है उसका यूज करना सीखेंगे। इसमें 1997 है, मैं कहूं कि इसमें आप 4 से भाग दीजिए, सिर्फ इस 2 नंबर में, 2 नंबर में भाग देते हैं तो आपका शेष कितना आता है दोस्तों, 1 शेष आ गया। शेष कितना आ गया? 1 आ गया। तो हम क्या करेंगे, पहले 6 को ऐड करेंगे इसमें। जब 6 को ऐड करते हैं तो दोस्तों 7 6 13 2003 आता है, 2003 आ गया, यानी 19वीं शताब्दी से हम क्या हो गए, 2000 शताब्दी में चले गए। तो इस कंडीशन में ये आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। साथ साथ ये भी चेक करना दोस्तों, ये लीप ईयर है कि नहीं, तो 2003 लीप ईयर नहीं है। तो अब ये मैटर है, ये क्वेश्चन आपका आंसर आपका गलत हो गया। तो अब करेंगे क्या, इसमें हम 1997 में क्या करेंगे, 12 को ऐड करेंगे जो दूसरा नंबर है। देखिए 6 के अगर ऐड करने पर शताब्दी चेंज हो गई, साथ साथ लीप ईयर भी नहीं है, तो ये 12 ऐड कीजिए। 12 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2009। दोस्तों ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जाते जाते दोस्तों एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, यानी कि आप उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। 1889 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग करेंगे दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना है। मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।